इनका ये काम है कि बच्चों को बुलाते हैं, हर बार इनके हर साल सर्टिफिकेट पे इनका कुछ ना कुछ नया नाम होता है। ताइक्वांडो स्पोर्ट्स एसोसिएशन हरियाणा जो है वो एक रजिस्टर्ड संस्था है, कोई फेक संस्था नहीं है। 2015 में इन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बना ली और उसके बाद ये फर्जी गेम्स को आ रहे हैं। आपके पास एक संस्था है और आप अपनी एक दादागिरी दिखाना चाहते हो, एक सामंती व्यवस्था को बनाना चाहते हो कि आपसे परमिशन ली जाए कि तब कोई दूसरा जो है ताइक्वांडो करेगा। हरियाणा के अंदर एक ही ओलंपिक एसोसिएशन है जो इंडियन ओलंपिक से एफिलिएटेड है, जिसका नाम लिखा जाता है हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन। तो हरियाणा के अंदर आज की डेट में कोई भी ताइक्वांडो की संस्था नेशनल फेडरेशन से मान्यता प्राप्त नहीं है। जो ये लिख रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं, एक्चुअल में वो लोग फ्रॉड है, वो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। जी, आपका नाम और किस एसोसिएशन से हैं, क्या पूरा पता है? मैं हरियाणा स्टेट ताइक्वांडो एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल हूं और मेरा नाम जसबीर सिंह गिल है। आज क्या विषय है प्रेस वार्ता का? आज विषय ये है कि कैथल के अंदर आज 29 से 31 तारीख को ताइक्वांडो स्पोर्ट्स एसोसिएशन हरियाणा ये स्टेट लेवल की प्रतियोगिता करवा रही है, जिसमें सब जूनियर जूनियर सीनियर खिलाड़ी पार्टिसिपेट हो रहे हैं। और इनका ये काम है कि बच्चों को बुलाते हैं, हर बार इनके हर साल सर्टिफिकेट पे इनका कुछ ना कुछ नया नाम होता है। कभी ये लिखते हैं ओलंपिक एसोसिएशन हरियाणा, कभी ये लिखते हैं रिकॉग्नाइज बाय मिनिस्ट्री। ये हर तरीके से बच्चों को मिसगाइड करते हैं। बल्कि पिछली बार 2021 फरवरी में मैंने इनके खिलाफ कंप्लेंट की थी। ये कौन लोग हैं सर, कौन इनको चला रहा है, क्या नाम है? इनके जो चेयरमैन हैं वो है कुलवंत राम बाजीगर जी हैं, जो एक्स एमएलए हैं। कहाँ से हैं एक्स एमएलए? ये चिका से हैं। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो मिस्टर सीएस राठी है, जो खुद एक एथलेटिक एसोसिएशन भी चला रहा है। और जबकि दूसरी एसोसिएशन एथलेटिक जो अभय चौटाला जिसके प्रधान है और मिस्टर राजकुमार सेक्रेटरी जनरल हैं, वो भी सीएस राठी भी अपनी एक एथलेटिक की अलग से पैरलर फर्जी एसोसिएशन चला रहा है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है मिस्टर प्रभाकर शर्मा, जो यमुनानगर से हैं और वो पहले हरियाणा स्टेट ताइक्वांडो एसोसिएशन के अंदर ही काम करते थे एज ए कोच। और उसके बाद फिर 2015 में इन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बना ली और उसके बाद ये फर्जी गेम्स को आ रहे हैं, जबकि हमने फरवरी में कंप्लेंट की थी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस कुरुक्षेत्र। तो उन्होंने फिर आगे एसएचओ थे जो वहाँ पर उस एरिया के, उनके पास वो कंप्लेंट गई और उन्होंने इनको बुलाया और इनसे ये बात हुई कि आप लोग चैंपियनशिप करवा लो, हमें चैंपियनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो आप बच्चों को मिसगाइड कर रहे हो वो प्रॉब्लम है। क्योंकि आज आप लोगों को मालूम है कि बच्चे को यही मालूम नहीं है कि वो एक स्टेट गोल्ड या सिल्वर जीत के आ गया है और उसने ग्रेजुएशन के लिए सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, या उसने कहीं जॉब में या कहीं एडमिशन में उसने वो सर्टिफिकेट लगाया है, फिर वो उसके ऊपर बाद में पुलिस कार्रवाई होती है। तो ये तो बच्चों को सरेआम लूटा जा रहा है, जबकि इसने 25 फरवरी को 2021 को थाने के अंदर ये बात लिखित में दी थी और जिसकी रिपोर्ट मेरे पास एसएचओ कुरुक्षेत्र से एसपी ऑफिस हमने ये रिपोर्ट ली है, जिसके अंदर बड़ा क्लियरली उन्होंने एसएचओ ने लिख के दिया है इसमें कि ये लोगों का कहना है कि हम जो ये प्रतियोगिता करवाएंगे उसके अंदर हम ये लिखेंगे कि जो हमारे ये सर्टिफिकेट है इसकी ग्रेडेशन नहीं होती, ये स्पोर्ट्स कोटे में नहीं लगते और नाम इस पे फेडरेशन लिखेंगे। पर अभी जो मैंने इनका नया एक लेटर देखा है, जो इनका लेटर है ये इनका लेटर है, जो कि ये सिर्फ कुछ
स्कूलों में भेजते हैं जहां पर इनके अपने पर्सनल कोच हैं, ये इसको ओपनली नहीं करते। और देखिए इसमें सबसे बड़ी जो चोरी क्या कर रहे हैं, ये चैंपियनशिप का तो नाम लिख रहे हैं उसमें, ये भी लिख रहे हैं कि हम कैथल में करवा रहे हैं, चीका में करवा रहे हैं, पर यहां पे वो जगह का एड्रेस नहीं दे रहे ताकि जब एड्रेस मिल जाएगा तो उसमें इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए। और जब ये लेटर इशू कर रहे हैं और लेटर इशू करने पर ये कहीं पे भी मेंशन ये नहीं कर रहे कि हम इस प्रतियोगिता में जो सर्टिफिकेट देंगे उसकी ग्रेडेशन नहीं होगी, वो किसी स्पोर्ट्स कोटे में काउंट नहीं होंगे। तो आपने कोई कंप्लेंट की है इसकी? जी, मैंने डिप्टी कमिश्नर कैथल साहब को कल ही जब मुझे ये लेटर, क्योंकि ये हमें लेटर बहुत मुश्किल से मिलता है, कोई ना कोई ऐसा सोर्स हो जाता है जिससे कोई ना कोई एक अच्छा इंसान हो जाता है जो हम लोगों के पास वो लेटर भेज देता है। तो ये लेटर हमारे पास, जब तक लेटर नहीं होगा तो हम उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकते। हमें लेटर मिला और हमने कल ही इसके बारे में कैथल के जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, हमने उनके पास ये कंप्लेंट दी है और उन्होंने वो कंप्लेंट SDM साहब के पास उन्होंने आगे फॉरवर्ड की है और हमें ये श्योर किया था कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करके, हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से बात करके इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो बच्चों से किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या बच्चों को किस तरह के सर्टिफिकेट जो है वो दिए जा रहे हैं इस एसोसिएशन के द्वारा? ये आप लोगों के सामने ही है सर्टिफिकेट, ये देखिए, हरियाणा के अंदर एक ही ओलंपिक एसोसिएशन है जो इंडियन ओलंपिक से एफिलिएटेड है जिसका नाम लिखा जाता है हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन। अब इन्होंने बच्चों को मिसगाइड करने के लिए 2015 में इन्होंने लिख दिया ओलंपिक एसोसिएशन हरियाणा बना दी इन्होंने। उसके बाद ये 2016 में भी ये यही चीज रिपीट कर रहे हैं। अब ये देखिए 2018 में ये लिखते हैं अंडर द, ये लिखते हैं 4th हरियाणा स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2018 ऑर्गेनाइज बाय डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन सिरसा अंडर द एजिस ऑफ ताइक्वांडो स्पोर्ट्स एसोसिएशन हरियाणा रजिस्टर्ड। आगे नीचे वो लाइन लिख रहे हैं ताइक्वांडो रिकॉग्नाइज बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन एंड हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन। ये आप जूम करके इसको देख सकते हैं। तो ये तमाम चीजें फर्जी तरीके से की जा रही है? ये बिल्कुल फर्जी है और मेरे पास कुछ बच्चों के एफिडेविट आ चुके हैं जिनके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। मैं उनका नाम उजागर नहीं कर सकता क्योंकि हमें कानून में बहुत सख्ती है कि जो भी कोई जिसके खिलाफ किसी ने कार्रवाई करवानी हो उन बच्चों के नाम उजागर नहीं कर सकते। मेरे पास इनके एफिडेविट आ चुके हैं। तो आपकी शिकायत पे कोई कार्रवाई की है प्रशासन ने? अभी तक जो अभी मेरी SDM साहब से बात हुई है, उन्होंने मुझे ये बोला कि ये जो केस है ये मेरी ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता और आप जो कंप्लेंट मेरे पास आई है उसको आप वापस लेके DC साहब के पास चले जाइए क्योंकि ये जो चीके के SDM है ये वो देखेंगे इस केस को। और ये कल से इनकी गेम्स हो रही है और जबकि हम कल की ये दे चुके हैं, इन्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था कि ये इस तरीके से हो रहा है, वरना बच्चों को तो कैरियर बर्बाद हो ही रहा। आप लोगों के सामने आज फर्जी एसोसिएशनों की वजह से मुझे ये लगता है कि हरियाणा सरकार जो ये 3% या 2% स्पोर्ट्स कोटा देती है ये रद्द ना कर दे। तो इनका मकसद क्या, क्यों ये फर्जी तरीके से चला रहे हैं? इनका मकसद एक ही है, अभी ये जो चैंपियनशिप करवा रहे हैं इसमें ये 1500 रुपये चार्जेस लेते हैं, इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है 1500 रुपीज पर हेड एंट्री फीस। जब आप इनसे बात करोगे, इनसे पूछोगे तो ये बोलेंगे जी हम गेम को प्रमोट कर रहे हैं, हम रजिस्टर्ड सोसाइटी से रजिस्टर्ड हैं। अगर कोई ट्यूशन सेंटर अगर वो सोसाइटी से रजिस्टर कर लेता है क्या वो सर्टिफिकेट दे सकता है? हम जब तक कोई स्कूल किसी CBSE हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से अगर वो एफिलेटेड नहीं होगा बोर्ड से या CBSE तब तक वो सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे 10th और 12th के जो सर्टिफिकेट्स हैं वैसे हमारे सीनियर जो गेम्स हैं उसके जो
सर्टिफिकेट की जो ग्रेडेशन होती है, और आप इसके लिए तो आप डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जो कैथल हैं आप उनसे पता कर सकते हैं कि मैं जो ये बातें बोल रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। तो काफ़ी समय से ये एसोसिएशन इस तरह के स्पोर्ट्स जो करवा रही है, क्या प्रशासनिक अधिकारी या कोई और भी अधिकारी इनके साथ शामिल है, क्योंकि शह में अक्सर ऐसा देखा जा सकता है, क्या और लोगों पर भी आपको लगता है कि? नहीं, इनके साथ कोई, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि कोई सरकार की तरफ से कोई अधिकारी शामिल है, क्योंकि जब मैंने पिछली बार भी इनकी कंप्लेंट की तो एसपी साहब जो कुरुक्षेत्र थे उन्होंने बड़ा सख्त उसमें एक्शन लिया। और अभी जो मज़े की बात यह है कि मेरे पास कल ही शाम को एक चंडीगढ़ से एडवोकेट जो हैं हाई कोर्ट से, उनका नोटिस आया कि अगर आप इन पे कोई कार्रवाई करते हैं इस एसोसिएशन पे तो आप हमें पहले नोटिस दे दीजिएगा या हमें बता दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनको पहले से डर है कि हम एक फर्जी गेम्स कर रहे हैं और उसके ऊपर ये कार्रवाई करेंगे, पर अभी तक हम हाई कोर्ट से वहाँ पर नहीं गए, अभी तक हम सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड है, हरियाणा सरकार के ऊपर ही। और हमें ये था कि ये जो हमारे कैथल के जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो ये फर्जी खेल को रोकेंगे। तो अक्सर देखा गया बच्चे जब इस जैसे स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं तो उनको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो कहीं ना कहीं जॉब में लाभदायक होता है। क्या जो एसोसिएशन करवा रही है, जिस तरह से ओलंपिक एसोसिएशन हरियाणा लिखा जा रहा और तमाम चीज़ें लिखी जा रही है, क्या वो नौकरी में वैलिड है इनका? इनका एक भी सर्टिफिकेट किसी भी स्पोर्ट्स कोटे में नहीं लगता, ग्रेडेशन तो बहुत दूर की बात है। मैंने आपसे बताया कि 2021 में फरवरी में इन्होंने थाने में खुद लिखा है कि हम अपनी इस प्रतियोगिता के अंदर जब ख़त्म करेंगे उसमें जो हम प्रमाण पत्र बांटेंगे हम उसके ऊपर लिखेंगे। पर अब इस साल जो इन्होंने लेटर इशू किया है अपनी चैम्पियनशिप का, उसके ऊपर इन्होंने बिल्कुल भी किसी को ये नहीं लिखा कि इस चैम्पियनशिप जो प्रतियोगिता होगी उसके सर्टिफिकेट्स हम देंगे, उसकी ग्रेडेशन नहीं होगी, वो स्पोर्ट्स कोटे में नहीं लगेंगे। तो ये तो समझ सकते हैं कि बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ जो भविष्य से किया जा रहा है स्पोर्ट्स को लेकर। हर प्लेयर, हर इंसान 2 से 3 साल तक वो स्पोर्ट्स में जोर लगाता है, अगर उसको रिजल्ट नहीं बनता तो वो छोड़ देता है। उससे हमारी स्पोर्ट्स भी बदनाम होती है, हम लोग भी बदनाम होते हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि ओलंपिक क्या है। उनको तो यह होगा भी ठीक है जी, हम खेलने जा रहे हैं, हम स्टेट में गोल्ड आ गए हैं, हम अब नेशनल जाएंगे। जबकि मेरे पास एफिडेविट है कि इन लोगों ने स्टेट में उनको यही बोला है कि आप लोग यहाँ से जीतने के बाद नेशनल जाओगे। वो नेशनल गए, उनसे पैसा भी चार्ज किया गया है, और जब वो नेशनल गए तो वो नेशनल में उनको नहीं खिलाया। वो इसीलिए नहीं खिलाया उनको कि नेशनल फेडरेशन ने बड़ा क्लियरली बोला कि आप लोगों की एसोसिएशन हमारे से एफिलिएटेड नहीं है। एक आपने रोहतक की भी एफआईआर का जिक्र किया है, किसके खिलाफ हुई थी अभी? हाँ, रोहतक के अंदर जो 3 लोग हैं, एक तो है सतीश धुल और एक है देवव्रत आर्या और एक हार्दिक धुल, ये 3 लोगों ने मिलके जाली हरियाणा स्टेट ताइक्वांडो एसोसिएशन के सर्टिफिकेट बनाए। सर्टिफिकेट बनाकर उन्होंने रोहतक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से ग्रेडेशन करवाकर उन्होंने उसकी सी ग्रुप की स्टेट और नेशनल के उन्होंने सर्टिफिकेट बनाए और उसकी ग्रेडेशन करवा ली। वो जब मैंने उसको वेबसाइट में चेक किया, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि पूरा अखबारों में आ रहा था कि हरियाणा में फर्जी वाला बहुत हो रहा है, जिसमें स्पेशली नाम आ रहा था कराटे और ताइक्वांडो। और जब मैंने वेबसाइट में चेक किया तो जो ओरिजिनल थे हमारे बच्चे वो तो 5% भी नहीं थे। तो उसके अंदर फिर मैंने 26 ऐसे सर्टिफिकेट 2019 की लिस्ट चेक की, अभी सिर्फ 2019 की लिस्ट चेक हुई है, जिसमें 26 लोगों में से मैंने 23 लोग वो थे जो इस तरह की चैंपियनशिपों में किसी भी नाम से जो फर्जी चैंपियनशिपों में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और ग्रेडेशन करवाई हुई थी। 3 ऐसे सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आए जिन्होंने हरियाणा सरकार से मेरी एसोसिएशन की ग्रेडेशन करवाई थी। तो अब क्या मांग है आपकी, कोई काफ़ी समय से ये करवा रहे हैं तो कोई कार्रवाई इन पर स्थायी नहीं की गई? मेरी मांग यही है हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से कि वो इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें,
ताकि ये इनके साथ साथ दूसरी एसोसिएशनों को भी ये सबक मिले, नहीं तो ये तो बच्चों को लूटते रहेंगे और बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती रहेगी। सर, संस्था के चेयरमैन हैं कुलवंत, उनसे भी आपकी बातचीत हुई है? मैंने कल उनको ये बात फोन पे बोला भी था, भाई कुलवंत जी आप गलत लोगों का साथ दे रहे हो, ऐसा मत करो। कह रहे नहीं, उन्होंने बोला नहीं 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 वो ठीक है और हम बैठ के बात करेंगे। मैंने कहा फिर मुझे बात करने की क्या जरूरत है, मैं तो आपको एक चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि ये गलत हो रहा है। एक बार मैंने इनको पहले भी बताया था तो इन्होंने मुझे एक बात बोली थी, हाँ तो इन्होंने बोला था नहीं ये तो अच्छी एसोसिएशन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने तो इनको सरकार की तरफ से मैट्स भी दिलवाए हैं। अब आप ये देख लीजिए कि सरकार की तरफ से इनको मैट दिए गए हैं, मैट जो जिसके ऊपर ये गेम्स होती है। तो क्या ये फर्जीवाड़ा है? बिल्कुल फर्जीवाड़ा है, सरकार का पैसा भी खराब हो रहा है और उन लोगों के पास जा रहा है जिनका अपना सिस्टम बना हुआ है। जी बलराम जी, एक फर्जी एसोसिएशन बनाकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और पूर्व विधायक का नाम इसमें शामिल है, क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी एसोसिएशन आगे कार्रवाई करेगी और इसको लेकर आपका क्या कहना है? हरियाणा के जो ताइक्वांडो के ओलंपिक के सेक्रेटरी हैं जसवीर गिल जी, अभी पूरी बात विस्तार से उन्होंने आपके चैनल के माध्यम से रखी है। मैं तो कैथल के अपने जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे अपनी तरफ से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं ताई कमांडो का चेयरमैन भी हूं। ये जो गेम हो रही है ये खिलाड़ियों के साथ गलत है और इसको बंद करवाया जाए और जो ये गेम करवा रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जो हमारे प्रदेश के खिलाड़ी हैं उनके साथ ऐसा ना हो। क्योंकि अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, वो बच्चे गेम के चाप में खेल तो रही हैं लेकिन कल को जब उनको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा उस सर्टिफिकेट की ग्रेडेशन नहीं होगी तो उसका बेनिफिट कुछ नहीं होगा। तो जैसे कल से शिकायत दी हुई है तो कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी कदम क्या होगा? कल से वो गेम शुरू होने, कल गिल साहब डीसी साहब को मिले थे, उनको अपनी शिकायत दे के आए हैं, डीसी साहब ने एसटीएम साहब को आगे वो फाइल दे दी थी। तो अब दोबारा हम पूरी जो कोच हैं गिल साहब हैं हम सब इकट्ठे होके डीसी साहब के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे जाके कि सर आपने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की है। अगर कार्रवाई की है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो इसके ऊपर आप कार्रवाई करके जो इसके अंदर दोषी हैं, जो ये बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं, तो आप इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। भाजपा के पूर्व विधायक का नाम इसमें शामिल है, क्या भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो? भाजपा के जो पूर्व विधायक है कुलवंत बाजीगिर जी, उनको इस संस्था के अंदर चेयरमैन की जिम्मेवारी दी हुई है, तो शायद हो सकता है उनको भी इस बात के बारे में नॉलेज ना हो या पता ना हो। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि पूर्व विधायक को इसकी पूरी छानबीन करके उसको पीछे हटना चाहिए और उनको जो जसवीर गिल जी हैं उनका साथ देके और जो ये गलत कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करवानी चाहिए। नायक जी नमस्कार। नायक जी, जहां तक सवाल है फेक ताइक्वांडो एसोसिएशन का, तो शायद आप भी इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर माननीय विधायक सी किसी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं और समाज के प्रतिष्ठित लोग किसी एक्टिविटी के इन्वॉल्व हैं तो उसको सोच समझकर ही किसी काम को किया जा रहा होगा। बोलने वालों का क्या है, तो कुछ भी आरोप लगा देते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि ताइक्वांडो स्पोर्ट्स एसोसिएशन का गठन जो है सन 2015 में किया गया था और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2012 जो है हरियाणा का वो रजिस्टर्ड कराएगी। तो कुल मिलाकर पहली बात तो यह है कि ताइक्वांडो स्पोर्ट्स एसोसिएशन हरियाणा जो है वो एक रजिस्टर्ड संस्था है, कोई फेक संस्था नहीं है, ना ही कोई जबरदस्ती किसी दूसरे की संस्था पे कब्जा करा गया है। इसके फाउंडर मेंबर जो हैं वो आज भी जिंदा हैं, एसोसिएशन के साथ में हैं, एसोसिएशन के साथ काम कर रहे हैं। अब उससे अलग बात आ जाती है कि आरोप लगाना, तो सबसे आसान काम है आरोप लगाना। आज की डेट में आरोप कोई भी किसी के ऊपर भी लगा देता है, तो उसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि
आरोप लगाने के पीछे कोई आधार होना चाहिए। अब वो आधार क्या है? आधार सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आपके पास एक संस्था है और आप अपनी एक दादागिरी दिखाना चाहते हो, एक सामंती व्यवस्था को बनाना चाहते हो कि आपसे परमिशन ली जाए कि तब कोई दूसरा जो है ताइक्वांडो करेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या कैथल के अंदर, कैथल लाइव के अलावा किसी और को अधिकार नहीं है समाचार दिखाने का? क्या जो इतने बड़े बड़े समाचार पत्र हैं, क्या सिर्फ उन्हीं को अधिकार है समाचार छापने का? किसी दूसरे अखबार को अधिकार नहीं है या किसी दूसरे चैनल को अधिकार नहीं है कि वो भी न्यूज दिखा सके? तो इस तरह के अनर्गल आरोप लगाने वाले जो हैं वो आपका भी समय बर्बाद करते हैं और खिलाड़ियों के भविष्य के साथ भी खेलते हैं। रहा सवाल हरियाणा में ताइक्वांडो की स्थिति का, तो पहले भी मैंने कई बार बोला है, अखबारों के माध्यम से मैंने लगातार संदेश दिया है, तो मैं आज आपकी स्थिति स्पष्ट कर दूं कि हरियाणा के अंदर आज की डेट में भी इंडिया ताइक्वांडो के अंदर आज की डेट में भी इंडिया ताइक्वांडो से किसी भी ताइक्वांडो संस्था को, किसी भी ताइक्वांडो संस्था को मान्यता प्राप्त नहीं है। सीधे शब्दों में बोलूं तो हरियाणा के अंदर आज की डेट में कोई भी ताइक्वांडो की संस्था नेशनल फेडरेशन से मान्यता प्राप्त नहीं है। जो ये लिख रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं, एक्चुअल में वो लोग फ्रॉड हैं, वो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। 2019 के बाद से अभी तक भी किसी को भी मान्यता प्राप्त नहीं है हरियाणा के अंदर। रहा सवाल आईओए की स्लिप लेके लोग घूम रहे हैं कि हरियाणा ओलंपिक से उनकी मान्यता, पहले ये तो फाइनल हो जाए कि कौन सी हरियाणा ओलंपिक सही है। अभी अदालत को उसका फैसला तो करने दो, हाईकोर्ट को। दो दो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन है, एक का इलेक्शन ड्यू है। फरवरी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उसके अंदर एक रिटायर्ड जज हैं श्री HS भल्ला जी, उनको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था। उसके बाद कुछ सर्कमस्टांस ऐसे हुए कि फिर उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। जब एडमिनिस्ट्रेटर लग गया तो हरियाणा ओलंपिक के सभी पदाधिकारियों की पावर सीज हो गई। ऐसे में हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन कैसे अपना मेंबरशिप अभियान चला सकती है, जबकि जस्टिस साहब ने पब्लिक नोटिस निकाल के सभी स्पोर्ट्स एसोसिएशन को इनवाइट किया कि जो भी नेशनल फेडरेशन से मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं वो अपना प्रेजेंटेशन दें। तो मैंने यही कहना है कि आरोप लगाने वाले आरोप लगाते रहें, हम अपनी जगह बिल्कुल सच्चाई ईमानदारी के साथ पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ आपका, आपके चैनल का, जिसने हमारे को अपनी बात रखने का मौका भी दिया, और उम्मीद है आपका सहयोग हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद।